हेलो गाइज, दिल्ली के अंदर सबसे पुरानी मंदिर है गाइज, जो 90 से 95 साल की ये मंदिर है। आप पूरा देखिए, इनका नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर गाइज। इसको महात्मा गांधी जी ने उद्घाटन किया था। आप लोग वीडियो को पूरा देखना गाइज, और चलो वीडियो को देखिए आप सब, और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि दिल्ली में पड़ता है, और इस मंदिर का पूरा टूर कराता हूँ आप सभी को। आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप सब दोस्तों। आज मैं आया हूँ, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी दिल्ली का बेहतरीन मंदिर है, सभी मंदिरों में से एक है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस मंदिर का उद्घाटन जो है महात्मा गांधी जी ने किया था, और ये मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था 1933 में और बन के तैयार हुआ था 1939 में। दोस्तों आपको बता दूँ कि महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर को जब उद्घाटन करते वक्त उन्होंने बोला था कि इस मंदिर में सभी समुदायिक लोग, सभी जाति धर्मों के लोग आ सकते हैं, और यही कहा कि उन्होंने उद्घाटन किया था इस मंदिर का। और इस मंदिर का जो बना है ये मंदिर जुगल किशोर बिरला द्वारा बनाया गया था, और काफ़ी भव्य मंदिर है। आप सभी को चल के दिखाते हैं, सब देखिए, बहुत ही अच्छा है। ये जो है ये चीज़ है मंदिर का वाटिका है, इधर थोड़ी है ना, ये मंदिर का वाटिका है, और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बैठने की भी जगह है, और इधर साइड तमाम छोटे छोटे मंदिर भी हैं, नारायण मंदिर और स्वामी नारायण जी की, और विष्णु और लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की मेन जो मंदिर है उनकी है। यहाँ मंदिर में हनुमान जी और भगवान शिव और बुद्ध जी की छोटे मंदिर भी हैं, छोटे छोटे मंदिर भी हैं कई, और काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है। और पहाड़ों जैसी काफ़ी वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हैं। यहाँ पे आ सकते हो आप लोग, इधर यहाँ पे आ सकते हो लोग, आप बैठने के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे भी हैं। अच्छा है जो है, गेट है एक, इधर गेट है, और मंदिर देख सकते हैं से डिज़ाइन की गई है मंदिर। और आज इसको जो है लगभग 100 साल के करीब हो गए हैं मंदिर को बने, देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था तभी से मंदिर है, और काफ़ी अच्छा है। और आज आने का मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हुई, और चल के भी दर्शन करूँगा, आप लोगों को भी कराऊँगा। यहाँ काफ़ी आप लोग देख सकते हो, बंदर काफ़ी हैं, थोड़ा मोबाइल वोबाइल बचा के रख। हेलो गाइज, ये देख सकते हो आप लोग, ये जो है रोड के सामने है मंदिर, और यही मंदिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिरला मंदिर जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं। और चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं, और फिर देखते हैं कितनी सुंदर, कितनी भव्य मंदिर है, और चलते हैं अंदर उसके, फिर दिखाते हैं आप सभी को। और काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो उसी समय का है इसका, लगभग 90 से 100 साल के करीब हो गया है इस मंदिर को बने हुए। और इसी मंदिर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी उद्घाटन किया था, और इसका फ्रंट लुक देखिए आप सब, काफ़ी सुंदर है। बगल में रोड है, और चल के दिखाता हूँ आप सभी को, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और चलता हूँ, एंट्री करता हूँ, आप सभी को दिखाऊँगा, ब्लॉग में बने रहिए, जाइएगा मत दोस्तों कहीं। देखिए कितनी अच्छी डिजाइन हुई थी उस समय। और ऐसे कहा जाता है दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण होना चालू हुआ था, जब ये बना था, तो जो इसका काम स्टार्ट हुआ गए, जो 1622 में वीर सिंह जी देव ने बनवाया था इसको, तो उसके बाद इनके बाद 1793 में पृथ्वी सिंह जी इसका जो है जीर्णोद्वार करवाया था 1793 में। उसके बाद बिरला दोस्तों, इनके बाद जो है 1938 में भारत के बड़े औद्योगिक परिवार बिरला समूह ने इसका विस्तार और पुरोद्वार करवाया। 1938 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था, और उन्होंने कहा था कि इस मंदिर में सभी भी जात, सभी धर्मों के और सभी जातियों को आने की अनुमति दें, और किसी भी तरह से इस मंदिर में किसी के भेदभाव नहीं करेंगे। यही कह के उन्होंने उद्घाटन किया था महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कितने अच्छे उनके विचार थे। तो अब आप सभी को दिखा रहा हूँ उस मंदिर के, देखिए एक लुक देखिए कितना बेहतरीन है। इस समय में मंदिर का वाटिका जो है, ये मंदिर का वाटिका है, हम पीछे साइड आ चुके हैं और आप सभी को दिखा रहे हैं, और काफ़ी ही बहुत ही सुंदर है, एक बार ज़रूर आइएगा आप लोग देखने गाइज। देखिए मंदिर का पिछला जो हिस्सा है, मैं जहाँ इस समय खड़ा हूँ वो मंदिर का वाटिका है।
और यहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं अभी और अच्छे अच्छे चीज़ें आप सभी को दिखाऊंगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करना गाइज, क्योंकि बहुत ही अच्छा मंदिर है, दिल्ली में ऐसी मंदिर नहीं है कहीं पे भी। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापूजी ने इसको उद्घाटन किया था। ये देखिए पार्क है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ये मंदिर का वाटिका है। और ये देखिए यहाँ पे जो द्वार है, एक द्वार इधर है, कई द्वार है यहाँ पे, तो आप लोग किसी भी एंट्री कर सकते हो। और वहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आ रहा था तो हमारे भाई लोग मिल गए सब, और इनसे थोड़ा वीडियो बनवाया मैंने, कहा आज अकेले निकला था। तो क्या नाम है भाई आपका? गुलाब सिंह। अच्छा गुलाब सिंह, तो और आपका? प्रिंस चौधरी। तो मिल, अच्छा मोनू, इनका नाम मोनू है। तो मिल गए भाई, और काफी अच्छा है इनसे मिल से, इन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई कुछ। और क्या बोलो भाई? फायर गेमिंग आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, फायर गेमिंग 90 सर्च करके लाइक सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे सब लोग भाई का देख लेना चैनल, मैं आपको बता दूंगा लिंक, मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाल दिया जाएगा आपका। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये भाई लोग इनका भी, इनको भी सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाते रहना। फिर मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, चलो अब तक के लिए बाय। देखा जाए वैसे इस मंदिर पे हमेशा जो है हमेशा खुली रहती है, दोपहर 2 बजे के बाद ही ओपन होता है, दोपहर के समय में बंद हो जाता है गाइज। तो 9 बजे से 8 बजे तक ये मंदिर ओपन रहता है, बीच में 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, जो 12 से 2 बजे के बीच में। और चलते हैं फिर, दिखाते हैं आप सभी को, और चारों तरफ से दिखा रहा हूँ गाइज आप सभी को, और देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को जो मंदिर का वाटिका है, वहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। और देखिए कितना लुक अच्छा है यहाँ पे गाइज। और एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं, देखिए छत्रपति शिवाजी की यहाँ पे एक मूर्ति है, और यहाँ पे पहाड़ों जैसे बना है यहाँ पे, देखिए आप सभी को। और एक बहुत अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। और एक जो कोणार्क मंदिर है कर्नाटका में शायद, उसका भी एक सिंपल जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा बना है। और यहाँ पे एक ही मंदिर नहीं गाइस, यहाँ पे कई छोटे छोटे मंदिर है, भगवान शिव की मंदिर है, और भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है, और बजरंग बली की भी मूर्तियाँ हैं। तो कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं इसके अंदर हर जगह पे। देखिए गुफा है एक, और बहुत ही अंदर गुफा है, अंदर तो अलाउड नहीं है जाना, बंद है। देखिए वहाँ पे एक शेर की बहुत अच्छी तस्वीरें यहाँ पे, यहाँ पर आप लोग चढ़ सकते हो, मगर ऊपर मत जाइएगा गाइस। फोटो लोग क्लिक करा रहे हैं, ये जो शेर बना हुआ है इसके अंदर से भी रास्ते हैं, ये सब बंद कर दिए गए हैं, खुलता है कभी काल। मैंने इसकी डिटेल तो नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे कोई वैसे थे नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गेट लगा हुआ है, गेट बंद है, तो लोग वहाँ पे जाके फोटो खिंचा रहे हैं अपना। देखिए यार, के अंदर जाने का रास्ता है गाइज, यार देखिए शेर के अंदर से आप जा सकते हो, लेकिन गेट लगा हुआ है अंदर से। तो चलते हैं और एक मंदिर का और दर्शन कराते हैं आप सभी को। मंदिर के अंदर ही जो मंदिर का वाटिका है, वाटिका में ही मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को गाइज। वाटिका जो है काफी बड़ा वाटिका है, तो उसके अंदर ही बना है। देखिए एक बहुत ही अच्छी तस्वीर वहाँ पे है मंदिर के पीछे। और ये जो मंदिर दिख रहा है आपको, भगवान बुद्ध और भगवान शिव की मूर्ति है आसपास में, दोनों लोगों की मंदिर वहां पे बनाई गई है। हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि इतना बड़े मंदिर में मैं कभी गया नहीं था अभी आज तक। काफी बड़ा मंदिर है, 7 एकड़ में फैला हुआ है शायद। और बहुत ही बड़ी है, छोटे से नहीं, बहुत ही बड़ी है। वो पहाड़ों के जैसे बना दिए गए, उस पहाड़ों के ऊपर ही मंदिर बनी है वो, जो एक ही, मैं अभी बहुत ऊंचाई पे खड़ा हूँ, और अभी नीचे चलूँगा सीढ़ियों के द्वारा वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे आ गया हूँ। ये भगवान बुद्ध की मंदिर है, और ये भगवान शिव की है ये वाली, हाँ भोलेनाथ की, देख सकते हो आप लोग, हर हर महादेव। और यहाँ पे देखिए एक तस्वीर देखिए आप सब, कितना भयानक, कितना भयंकर, मतलब बहुत ही
बेहतरीन लगता है यहाँ पे। और एक देखिए नागराज को, और वो शेर जो था आपको सभी को दिखाया हूँ। ये देखिए वो जो कर्नाटक की एक मंदिर है वहाँ पे, देखिए एक बार दिखा रहा हूँ आप सभी को, देखिए कितना अच्छा मंदिर वहाँ का लुक दिया है यहाँ पे। और चलते हैं अब मंदिर के साइड से निकलते हैं, अब आसपास से दिखाते हुए। देखिए हर जगह की कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे लोकेशन से बनी हुई है, देख के बढ़िया मतलब बहुत ही अच्छा लगता है देखने पे। इतने अच्छे डिजाइन है, उस समय जो डिजाइन की गई थी बहुत ही सुंदर की गई थी। मंदिर के भी कई फ्लोर हैं गाइस, यहाँ पे 3 फ्लोर है, यहाँ पे 2 है, और इसके पीछे साइड गया था तो वहाँ पे 3-4 फ्लोर हमें देखने को मिले। गाइस ऐसा है कि मेन मंदिर यहाँ है, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति जहाँ है वहाँ पे मोबाइल तो अलाउड नहीं था, तो इसलिए वहाँ की वीडियो तो नहीं बना पाया आप सभी को, और यहाँ की आपको मंदिर की जो पूरी टूर है वो करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से उस रास्ते पे निकल सकते हो जो अशोक जो मंदिर का वाटिका है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे देखिए 3 फ्लोर है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं।